बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ शफाक, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान स्टडी एट डीपीएस एंड इंटर कॉलेज साहिबाल। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेस एट डीपीएस एंड इंटर कॉलेज साहिबाल। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेसन। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सियासी और आइनी कोशिशें जो उन्होंने क़याम पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया उस हवाले से हैं, तो लिहाजा आज हम कायदे आज़म की उन खिदमात का ज़िक्र करेंगे कि जो उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी। तो सबसे पहले मैं आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तारफ़ करवाता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जो कि 20वीं सदी ईस्वी में बहुत सारी लोगों ने अपने सियासी मंजर पर अपना आगाज़ किया, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जनूबी एशिया के मुसलमानों की तकदीर बदल दी। अंग्रेज़ों और हिंदुओं को हिंदुस्तान तकसीम करने पर मजबूर कर दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद पूंजा जनाह कारोबार करते थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। 10 साल की उम्र में आपको सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में दाखिल करवा दिया गया। 1892 में मैट्रिक करने के बाद आला तालीम के लिए आप लंदन चले गए। वहाँ लिंकन्स इन कॉलेज, जो कि मौजूदा यूनिवर्सिटी है, में कानून की तालीम हासिल की। वापसी पर 1896 में मुंबई में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की और इसी तरह सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अंजमन इस्लाम मुंबई और कांग्रेस के इजलासों में उन्होंने शिरकत भी की। 1906 के कलकत्ता के कांग्रेसी इजलास में मुंबई के मुस्लिम नुमाइंदा की हैसियत से शिरकत की और 1913 में उन्होंने सैयद वज़ीर हसन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर मुस्लिम लीग में रुकनियत हासिल की। फिर मुसलमानों की तारीख का रुख मोड़ने में लग गए। आपकी मुदब्बराना सियासत ने बरतानवी इस्तेमार की जड़ें हिला कर रख दी। ज़ुहूर पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए और आपने 11 सितंबर 1948 को कराची में वफात पाई और वहीं पर दफन हुए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो शख्सियत है उसके हवाले से हिंदू भी इस बात के बारे में मानते थे, जानते थे और उसका ज़िक्र भी करते थे कि कायदे आज़म को ख़रीदा नहीं जा सकता, और मुसलमानों के लिए कायदे आज़म एक बहुत बड़ी नेमत की सूरत में ज़ाहर हुए। हिंदू रहनुमा इस हवाले से ज़िक्र करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक मसीहा की हैसियत रखते हैं। वो बयान करते हैं, एक इसी तरह हिंदू लीडर का बयान है कि अगर हमारे पास एक जिन्ना होते जबकि मुसलमानों के पास 100 गांधी भी होते तो वो कभी भी पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकते थे, यानी बरेसगीर की तकसीम जो सी है वो नहीं हो सकती थी। तो इस हवाले से हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कि कायदे आज़म ने हमारे लिए एक अलहदा रियासत का क़याम किया जिसमें हम अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बच्चों, अब हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उन कोशिशों का जिक्र करते हैं जो कि उन्होंने क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में हमारे लिए की। तो सबसे पहला हेडिंग या जो सबसे पहला स्टार है उसको अगर हम देखें तो पहला पॉइंट जो है
वो है मिंटो मॉर्ले इस्लाहात। ये आपके स्टार का पहला पॉइंट है, इसकी आपने हेडिंग बनानी है मिंटो मॉर्ले इस्लाहात 1909। ये बेसिकली दो लोग थे, मिंटो और मॉर्ले। मिंटो जो था वो वायसराय हिंद था, जबकि मॉर्ले जो था वो अमूरे वजीर हिंद था। तो मिंटो ने 1908 में अपनी कुछ तजावीज़ जो हैं वो मॉर्ले को पेश की, तजावीज़ दीं, और उन तजावीज़ को बाद में दोनों ने मामलात को तय करके इसको हतमी शक्ल दी, और पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के बाद शाही फरमान के मुताबिक इसको मुल्क में नाफज कर दिया। इन असलाहत के मुताबिक उन्होंने मुकामी बाशिंदों को ज़्यादा इख्तियार दिए, उनकी इंतज़ामी कौंसलों में सीटें में इजाफ़ा कर दिया, और जिस वजह से मुसलमान और हिंदू दोनों रहनुमाओं ने इन असलाहत को पसंद किया, क्योंकि इससे इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल हो रहे थे। इससे वायसराय की लेजिस्लेटिव कौंसिल में तोसी हो गई, उनकी सीटें बढ़ गई, इंतज़ामी कौंसिल जो सी सूबाई हवाले से थी उसमें भी उसमें इजाफा हो गया, और साथ ही मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक वो भी मुयस्सर आ गया। फिर इसी तरह उसने सरकारी लोगों को के मुकाबले में आम लोगों को, गैर सरकारी लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट किया गया, जो कि एक खुशाइन बात थी, और इससे आम आवाम जो सी थी वो अपने आप को हुकूमत का हिस्सा समझ रहे थे। तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों की वजह से ये बरतानवी हुकूमत को ये इकदाम करना पड़ा। अगला जो स्टार है हमारा, वो हमें इजहार कर रहा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग में शमूलियत 1913। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में सैयद वज़ीर हसन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, जबकि 1885 में एक अंग्रेज़ ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की सियासी जमात तश्कील दी थी, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले इसी में शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये कांग्रेस की जमात सिर्फ और सिर्फ हिंदू कौज़ के लिए, इन हिंदुओं के फ़ायदे के लिए काम करती है, जबकि इसको मुसलमानों के मफादात से कोई लगाव नहीं है। हालांकि कांग्रेस की जो ये सियासी जमात थी ये इस हवाले से प्रचार करती थी कि वो बरसगीर पाक और हिंद के मुसलमान और हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करके इसको मज़ीद मुस्तहकम किया, और कायदे आज़म ने 1920 में फिर कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में मिलाने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 1916 में मिसाक़े लखनऊ के तहत दोनों कौमों, हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में मुतहद किया, मुसलमानों के लिए हिंदुओं से जुदागाना इंतखाब का हक मनवाया, और सफ़ीरे अमन का ख़िताब भी हासिल किया। बल्कि ये कहा जाए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुओं में और मुसलमानों में एक पुल का काम किया, उन्होंने इन दोनों को मुतहिद करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये एहसास था कि इसके बगैर मामलात को आगे नहीं चलाया जा सकता, और उस वक़्त तक हम बरतानवी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ जो सा है वो बयान नहीं कर सकते। तो ये
जो इसलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इतिहाद का सफ़ीर मुकर्रर किया गया, उनको ये ख़ताब दिया गया जो कि उन्होंने मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए किया। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें ना सिर्फ मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का हक मनवा लिया, बल्कि ये वो पहला माहिदा था बरसगीर पाक हिंद की तारीख में जिसमें मुसलमान और हिंदू किसी बात पर मुत्तफिक हुए थे, और उन्होंने ये लखनऊ के मकाम पर ये माहिदा साइन किया। अगला पॉइंट जो है हमारा वो नेक्स्ट स्टार वो है रॉलेट एक्ट की मुखालफत। रॉलेट एक्ट बेसिकली 1919 में सर सिडनी रॉलेट ने पास करवाया, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। ये एक काला कानून था, इसमें इंतज़ामिया को लामहदूद इंतज़ामी इख्तियारात हासिल हो गए और शहरियों के हकूक पामाल कर दिए गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और हुकूमत बरतानिया को कहा कि जो कौम अमन के ज़माने में काले कानून बनाती है वो महज़ब कौम नहीं हो सकती। इसी हवाले से कायदे आज़म ने वायसराय हिंद की कौंसिल से भी एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि इसमें आम शहरी को अपने हकूक़ का तहफ़ हासिल नहीं था और बग़ैर कोई भी इन्वेस्टिगेशन किए उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाना था और उसको जो उनसे है वो सज़ा दे दी जानी थी। तो इस हवाले से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस रखते थे, इसीलिए उन्होंने इस पर कड़ी तनकीद की। हमारा अगला पॉइंट जो नेक्स्ट स्टार है वो है नेहरू रिपोर्ट का जवाब। दरअसल इससे पहले 1927 में तजावीज़ दिल्ली में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जुदागाना इंतखाब के हक से दस्तबरदार होकर कांग्रेस से तआवुन का इंदिया दिया जो कि पूरा ना हो सका। तो जब 1928 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का जवाब दिया जो कि 1929 में अपने 14 नुकात की शक्ल में था। दरअसल नेहरू ने जो कि जिसका पूरा नाम पंडित मोती जवाहरलाल नेहरू था, उसने 1928 में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने मुसलमानों के साथ एक नारवा सलूक किया, उनको मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, उनके जुदागाना इंतखाब का हक जो कि वो पहले 1916 में मिसाक लखनऊ में मान चुके थे उसको बिल्कुल हज़फ़ कर दिया, और जिससे अंदाज़ा हुआ कि ये हिंदू मुसलमानों के हक में नहीं हैं और ये उनको अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहते और ये बरतानवी हुकूमत से ख़ुद से मराद हासिल करना चाहते हैं। तो इस हवाले से फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने 14 नुकात पेश किए जिससे मुसलमानों की मंजिल मुतय्यन हो गई, और इससे ख़ास तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो गया कि कायदे आज़म मुसलमानों के मफादात के हवाले से काफ़ी परेशान थे और उन्होंने मुसलमानों के मफादात के हसूल के लिए 14 नुकात पेश किए। अगला स्टार जो है हमारा वो है जिसकी हेडिंग आप बनाएंगे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बेसिकली 1930 से 1932 तक बरतानिया में मुनक़द की गई। इन गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शिरकत करके मुसलमानों के कौमी तशख़्स को बरकरार रखा। पहली दो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म ने शिरकत की जबकि तीसरी में उन्होंने शिरकत नहीं की। उसकी वजह दरअसल ये थी क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुओं के रवैये से तंग आ चुके थे और वो उनके गैर मुस्तकिल रवैये की वजह से वो
काफ़ी मायूस हो चुके थे। तो इस हवाले से ये जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो सका और ये नाकाम हो गई। इससे अगला पॉइंट वो है जो कि आप हेडिंग बनाएंगे अगले स्टार की, वो है मुस्लिम लीग की सदारत। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि कांग्रेसी रहनुमाओं से मायूस हो चुके थे और उनके रवैये ने उनको तकलीफ पहुँचाई थी, इसलिए वो इंग्लिस्तान में ही मुकीम हो गए। तो उसके बाद अल्लामा इकबाल और बहुत सारे दूसरे मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत सारे खतूत लिखे और उनको अपनी तरफ बरेसगीर की सूरत हाल से आगाह करके मायल किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन सब की बातों से मुतासर होकर और ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल के हवाला जात की नज़र में वो दोबारा बरेसगीर पाक हिंद तशरीफ़ लाए और उनको 1934 में मुस्लिम लीग की सदारत जो उनसी थी वो दे दी गई। तो इस हवाले से फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग बिल्कुल ही आखिरी सांसों पे थी उसको दोबारा उसमें जान डालकर तहरीक आज़ादी को आगे बढ़ाया। इससे अगला पॉइंट बच्चों वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला स्टार जो है उसको आपने हेडिंग बनानी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हुकूमत बरतानिया ने 1935 में अपना नया कानून मुतारफ कराया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इस एक्ट से और इसकी असलाहत से नाखुश थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया और इसके मुताबिक 1935 के बाद 36-37 में इलेक्शन हुए जिसमें 11 सूबों में से 7 सूबों में हिंदुओं की वजारतें कायम हो गई और इन वजारतों के कायम होने से उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए। मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मसाइल आए, जैसे वो मस्जिदों के सामने बाजे बजाने लगे, मुसलमानों को वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर किया जाता, उनके बच्चों को स्कूलों में, इस तरह बहुत सारे मसाइल और जो उनसे उनकी कांग्रेसी वजारतों की वजह से मुसलमानों को देखना और सहना पड़े। तो मुसलमानों को उन्होंने माशरती और सियासी लिहाज से तबाह करने की भी कोशिश की। आपने अपनी सियासी बसीरत, इन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सियासी बसीरत से इन साजिशों का डट कर मुकाबला किया और बिल आखिर कांग्रेस ने वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया। कांग्रेस ने जो वजारतों से इस्तीफ़ा दिया, दरअसल उसकी भी वजह यही थी क्योंकि 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी थी और उन्होंने अपना जो बरतानवी हुकूमत ने इतिहाद बनाया उसमें हिंदुओं ने इस बात का एतराज़ किया कि उनसे मशावरत नहीं की गई और उन्हें इतमाद में लिए बगैर दूसरी जंग अज़ीम में शामिल हो गए हैं और उनसे कोई मशावरत जो उनसी है वो नहीं की गई। तो लिहाजा इसी के हवाले से उन्होंने कांग्रेस ने वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया। तो लिहाजा मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके ऊपर इजहार तशक्कुर किया और 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों से यौम नजात मनाने की अपील की। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है करारदाद लाहौर 1940। जो अगला स्टार है उसकी आप हेडिंग बनाएंगे करारदाद लाहौर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि अक्टूबर 1937 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के अजलास में कायद आज़म को मुतफ़िक़ा तौर पर मुसलमानों का लीडर तस्लीम कर लिया गया, जिसके बाद आपने मुलकगीर हंगामी दौरे किए और मुसलमानों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, उनको इस बात का एहसास दिलाया कि वो किस तरह एक
सियासी प्लेटफॉर्म तश्कील दे सकते हैं और मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा हों। उस हवाले से फिर अगला जो इकदाम था वो था करारदाद लाहौर। करारदाद लाहौर क्या में पाकिस्तान के हवाले से एक संगे मील की हैसियत रखती है, क्योंकि करारदाद लाहौर के बाद जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान भी कहा गया, ये करारदाद ने मुसलमानों के लिए रास्ते मुतय्यन कर दिए और उनको इस बात का एहसास दिला दिया कि हमारी मंजिल जो उनसी है वो बहुत करीब है। और ये करारदाद लाहौर 1940 में मिंटो पार्क, जो कि मौजूदा इकबाल पार्क है या ग्रेटर इकबाल पार्क जिसको कहा जाता है, में मुनक्किद की गई। इसको शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने पेश किया और इसकी सदारत जो उनसी थी वो सदारत कायद अजम मोहम्मद अली जना ने की। चूँकि कायद अजम मोहम्मद अली जना दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे, वो हर लिहाज से मुसलमानों से इस बात की तवक्को रखते थे कि वो हिंदुओं से अलग हैं और सदियों इकट्ठे रहने के बावजूद वो आपस में घुल मिल नहीं सके, तो लिहाजा वो मुसलमानों को एक अलग कौम का दर्जा देते थे। इसी हवाले से आप कहा करते थे, फरमाते थे कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से एक अलग कौम है, वो इस बात का हक रखते हैं कि अपनी एक अलग मुमलकत कायम करें। करारदाद लाहौर के खुतबा सदारत में भी उन्होंने ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान की कि हिंदू और मुस्लिम दो अलहदा मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अकायद मुख्तलिफ हैं, उनके नज़रियात एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, दोनों अकवाम की रज़मियाँ कहानियाँ हीरोज़ वाक़यात एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं, लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में परोने का मकसद बरे सगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं है बल्कि अकलियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर था कि वो इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरे सगीर की तकसीम का ऐलान करें, जो कि एक तारीखी और मजहबी लिहाज से सही कदम होगा। तो इस हवाले से करारदाद लाहौर जो उनसी है वो एक संगे मील की हैसियत रखती है। इस करारदाद पर बहुत ज़्यादा रद्द अमल भी आया, जैसे कि हिंदुओं ने इस करारदाद के ख़िलाफ़ इजहार राय करना शुरू कर दिया, करारदाद का मजाक उड़ाया गया और उन्होंने मुस्लिम लीग की इस करारदाद को करारदाद लाहौर कहकर यानी तंजन कहना शुरू किया और हिंदू प्रेस ने तंजन इसे करारदाद पाकिस्तान लिखना शुरू कर दिया। मुसलमान कायदीन ने इस इस्तलाह को अपना लिया और आज इसे करारदाद पाकिस्तान ही कहा जाता है। तो ये इस हवाले से अगर देखा जाए तो हिंदुओं का ख्याल था कि तकसीम की जो तजवीज़ मुस्तरद हो जाएगी, लेकिन मुसलमानाने बरसगीर अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला इस करारदाद में कर चुके थे और उनकी मंजिल जो उनसी थी वो उनके सामने उनको नज़र आ रही थी, तो लिहाजा करारदाद लाहौर ने क़याम पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा किया। तो इस हवाले से कायदे आज़म ने कुछ और भी मिसालें दी। उन्होंने अपने खुतबा सदारत में मुसलमानों के लिए जद्दोजहद की एक सिमत का तय कर दिया। उन्होंने इसके अलावा बरतानिया से आयरलैंड के जुदा होने, स्पेन और पुर्तगाल की अलहदा ममलकत जो ममलकतें बनी और इन रियासतों का ज़िक्र किया। इसी तरह उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के वजूद का भी ज़िक्र किया जो कि तकसीम का नतीजा थी। तो बरसगीर का सियासी मसला कौमी या अफ्रीका वराना नहीं है,
ये एक बैनुल अक़वामी मसला है और इसी तनाजर में इसको हल करना ज़रूरी था। ये कायद आज़म के अल्फाज थे। तो जनाब ये करारदाद लाहौर जो है ये क़याम पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब हम इससे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला स्टार जो है वो है कायद आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग की कामयाबी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे पहले मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में जोड़ने और मिलाने की अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन हालात और वाक़ात जो उनसे थे वो किसी और तरफ लेके जा रहे थे। जैसा कि 1942 में सर स्टीफन क्रिप्स को बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर पाक हिंद भेजा ताकि वो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कोई मफाहमती अमल कर सके, लेकिन क्रिप्स जोन सा था वो अपनी जो तजवीज़ें लेकर आया उसको ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि हिंदुओं ने भी मानने से इनकार कर दिया और वो नाकाम लौटा। तो इसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मुस्लिम लीग की भरपूर क़यादत संभाल ली तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1945 और 46 के इंतखाबात में इस बात का इंदिया दे दिया कि अगर आप इलेक्शन करवा लें, रायशुमारी करवा लें ताकि आपको इस बात का पता चल जाए कि मुसलमान जो है वो किस हवाले से अपने मकसद के हसूल के लिए कोशां हैं। तो उसमें उन्होंने ये बात बड़े वाज़ अंदाज में बयान की कि उन्होंने दावा किया कि आम इंतखाबात पाकिस्तान के बारे में इस्तस्वाबे राय होंगे, अगर मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दें तो पाकिस्तान बनने दिया जाए वरना इस मुतालबे को अज़खुद मुस्तरद समझा जाए। तो इसकी बहुत बड़ी दलील ये थी कि इन इलेक्शंस में जो कि 1945 और 46 में मुनक़िद हुए उसमें मुस्लिम लीग ने एक भरपूर कामयाबी हासिल की। मजलिस कानून साज में मरकज़ी कानून साज असम्बली के इंतखाबात में उन्होंने जो कि दिसंबर 1945 में मुनक़िद करवाए गए मुसलमानों ने 30 में से 30 सीटें जीत ली। इस तरह मुसलमानों ने साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग एक मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और उन्होंने 100% कामयाबी हासिल की। 1946 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए, मुसलमानों ने तमाम सूबाई असम्बलियों में मजमूई तौर पर 492 नशस्तें मखसूस थी, यानी मुसलमानों के लिए तमाम सूबाई असम्बलियों में मजमूई तौर पर 492 नशस्तें मखसूस थी। मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने 428 नशस्तें जीत लीं और सूबाई सतह पर भी शानदार फतह हासिल की। कई सियासी जमातों ने कांग्रेस की हमायत भी की थी लेकिन मुस्लिम लीग ने इन सब को शिकस्त दे दी। इंतखाबी नताइज ने पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत कर दी और जारी बात है इस हवाले से अब कोई भी कुव्वत जो थी वो पाकिस्तान को बनने से नहीं रोक सकती थी। तो इससे अगला पॉइंट जो आप नेक्स्ट आ रहा है वो है काबीना मिशन की मुखालफत। काबीना मिशन प्लान 1946 में पेश किया गया, ये भी एक बरतानवी चाल थी जो कि नाकाम हो गई। दरअसल 1945 में बरतानिया में लेबर पार्टी बरसर इकतदार आई और बरतानवी वज़ीर आज़म लॉर्ड एटली ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा। इसके मकासद क्या थे? इसके मकासद में ये था कि पहला हिंदुस्तान की दस्तूरी हसीयत और हकूमत को वाज़े किया जाए, उसकी शक्ल वाज़े की जाए, और दूसरा ये था कि मुसलमानों और हिंदुओं में नफ़रतों की खलीज को कम किया जाए और इनको आपस में मुतहिद रखा जाए।
लेकिन आम इंतखाबात इस साबित कर चुके थे कि ऐसा होना नामुमकिन था। इनमें तीन गुजरा शामिल थे, जिनमें एक सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, ईवी अलेक्जेंडर थे और सर पैथिक लॉरेंस। तो इनकी तजावीज़ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पेश की, जिसमें यूनियन सेल सबसे पहले एक यूनियन बना दी गई, यानी जिसमें बरसगीर को एक यूनियन बना दिया गया, और उसके अलावा सूबाई ग्रुपों की तश्कील कर दी गई, मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब कर दिया गया, अबूरी हुकूमत कायम करने का कहा गया, यूनियन से अलहदगी का बोला गया, और इसके अलावा हक़ इस्तदाद वीटो के बारे में भी जिक्र किया गया। चूँकि काबीना मिशन प्लान में 10 साल बाद जो सूबों के ग्रुप्स बनाए गए थे, उसमें उनके पास एक ऑप्शन थी कि वो 10 साल बाद अलहदगी का फैसला कर सकते थे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर वोज़ किया और अपने रहनुमाओं के साथ, सियासी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगुशनीद के बाद उन्होंने इसको काफ़ी हद तक गौर वोज़ करने के बाद ये फ़ैसला किया कि इसको हम तस्लीम कर लेते हैं। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उनसी थी, उन्होंने इस प्लान को बहुत ज़्यादा नापसंद किया, क्योंकि उन्होंने इसमें इस शिक को रद्द कर दिया जिसमें 10 साल बाद कोई भी सूबा अपनी अलहदगी के हवाले से अलहदा रियासत कायम कर सकता था। तो इसी हवाले से कांग्रेस के जो आम अरकान थे, वो गलियों में खुशियां मनाते फिर रहे थे, और नेहरू ने तो यहाँ तक भी कहा कि इस प्लान ने जिन्ना के पाकिस्तान को दफन कर दिया है। शुरू में मुस्लिम लीग और मुसलमान जो होते थे वो काफ़ी हद तक इस हवाले से परेशान हुए, लेकिन कायदे आज़म ने अपना हतमी फ़ैसला जो सा था वो इसमें किया कि कायदे आज़म ने बयान दिया कि अगर इस प्लान पर अमल हो जाता है तो 10 साल के बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को अलहदा आज़ाद ममलकत बनाने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेसी लीडर जो उनसे थे वो इस बात पर उलझ गए, वो कायदे आज़म के तदब्बुर, दूरंदेशी और मौक़िफ मनवाने की सलाहियतों से आगाह थे। बड़े गौर व फिक्र के बाद कांग्रेस ने आधा प्लान मानने का ऐलान कर दिया। वो अबूरी हुकूमत की तश्कील और आइन साजी पर तो राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने सूबों की ग्रुप बंदी को मुस्तरद कर दिया। जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वायसराय और काबीना मिशन के अरकान को कहा कि वो प्लान को मुकम्मल तौर पर नाफज कर दें, क्योंकि एक बड़ी जमात यानी मुस्लिम लीग ने इसे कबूल कर लिया है। हुकूमत यानी बरतानवी हुकूमत अपने वादे से मुकर गई और कांग्रेस के बगैर अबूरी हुकूमत की तश्कील पर रजामंद ना हुई। हुकूमत ने कांग्रेस से खौफजदा होकर अपने असूलों से इनहराफ किया, पीछे हट गए। कायदे आज़म को इनकी इस वादा खिलाफी पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने यौम रास्त इकदाम मनाने का ऐलान कर दिया। तो इस तरह मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को यौम रास्त इकदाम मनाया। अगला पॉइंट, जो अगला स्टार है, वो है पाकिस्तान का क्या। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक कोशिशों की वजह से बिलाखिर लॉर्ड माउंटबेटन को उनकी इन खिदमात और उनके इस किरदार को का एहसास करते हुए कि उन्होंने जिस लिहाज से अपनी कोशिशें की थी और कि हमें पाकिस्तान में जिस तरह अपना किरदार अदा किया था और बरतानवी हुकूमत को और हिंदुओं को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो मुसलमानों को एक अलहदा रियासत दें जहाँ पर वो अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, तो उसने 3 जून 1947 को तकसीम का ऐलान कर दिया और
फिर आप सब जानते हैं जैसे कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। अगला स्टार इसकी वो है क़याम पाकिस्तान में के बाद फ़राइज़ की मुसलसल अदायगी। ये एक मुसलसल कोशिश थी, कायद अदम मोहम्मद अली जिन्ना मुसलसल अपनी सेहत का ख्याल किए बगैर अपनी कोशिशों में लगे रहे और अपनी इन कोशिशों की वजह से उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती चली गई, अपने इलाज मुआवजे के ऊपर भी तवज्जो नहीं की। चूँकि कायद अदम मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी का मर्ज़ था, उन्होंने अपने मौलिक से इस बात का जिक्र किया था कि आपने ये बात बाहर लोगों में आम नहीं करनी ताकि किसी को मेरी बीमारी के बारे में पता ना चले, क्योंकि मैं जिस फ़र्ज़ को निभा रहा हूँ इसके लिए मेरी बीमारी जो है वो मेरे रास्ते में हायल ना हो। तो इससे हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अजमत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल ना करते हुए मुसलसल कोशिश और जद्दोजहद जारी रखी, जिसके नतीजे में वो मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत बनाने में कामयाब हो गए। अब ये एक आपके सामने आ रहा है जिसमें इसको हम रिकैप्चुलेशन कहते हैं कि जो हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है इसके अंदर जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और आपने नोट किए हैं उनको आप ज़रा देखें दोबारा से फिर एक दफ़ा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने अपने सवाल को किस तरह आगे पाया तमीर तक पहुँचाया है। सबसे पहले मैंने आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक तारुफ दिया था, उनके हालात ज़िंदगी, उनकी तालीम के हवाले से, उनके सियासी कैरियर के हवाले से मैंने आपको तारुफ दिया। उसके बाद मिंटो मोहल्ले असलाहत थी जो कि 1919 में की गई, इसके बारे में भी आपको बताया गया। ये क्वेश्चन का जो पहला टॉपिक था, पहला स्टार था, उसकी हेडिंग थी। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग में शमूलियत जो कि 1913 में थी, और उसके बाद 1916 में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर बने जो कि इसको हम मिसाक़े लखनऊ भी कहते हैं, और उसके बाद फिर 1919 में रौलट एक्ट की मुखालफत जिसके ऊपर कायदे आज़म ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और इसको काला कानून कहा, और उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट थी जो कि 1928 में पेश की गई थी, जिसका जवाब कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात की शक्ल में 1929 में दिया था। फिर उसके बाद 1930, 31 और 32 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई इंग्लिस्तान में, जिनमें पहली दो में कायदे आज़म ने शमूलियत इख्तियार की, और उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जौन सा था वो मुतारफ़ करवाया गया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग की सदारत सौंपी गई, और उसके बाद करारदादे लाहौर जो कि 1940 में हुई, और उसके बाद 1945-46 में इंतखाबात ने ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। काबीना मिशन प्लान जो कि 1946 में था उसकी मुखालफत की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और वो मैंने आपको बड़ी तफसील से उसके बारे में बताया, और 1947 में पाकिस्तान का क़याम था, और उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद मुसलसल जो कायदे आज़म ने कोशिश और जद्दोजहद जारी रखी उसके बाद उसी वजह से उनकी सेहत ख़राब हो गई और वो खालके हकीकी से जा मिले। अब इसके बाद बच्चों कुछ अहम नुकात हैं, जैसा कि इस टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ सवालात बताता हूँ जो कि ख़ास तौर पर बहुत अहम हैं, जो मुख्तसर सवालात की शक्ल में हैं। इसमें आप नोट करें, जैसे सबसे पहले आप एक सवाल ऐड कर सकते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब और किसके कहने पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, ये सवाल नोट करें। ये अक्सर पेपर में आता है और इसके बारे में पूछा जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब और किसके कहने पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। दूसरा सवाल आपने नोट करना है वो है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सफ़ीर अमन का ख़िताब कब हासिल किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सफ़ीर अमन का
खिताब कैसे हासिल किया। तीसरा सवाल आपने नोट करना है कि रॉलेट एक्ट के ऊपर कायदे आज़म का मौक़िफ़ बयान करें। रॉलेट एक्ट पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या मौक़िफ़ था। इसी तरह फिर चौथा सवाल जो आप ऐड करेंगे वो है करारदादे लाहौर कब और किसने पेश की। करारदादे लाहौर कब और किसने पेश की। और इसके बाद आखिरी सवाल जो इसका है वो है पांचवा सवाल कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की जो कामयाबी थी उसमें जो 1945 और 46 के इंतखाबात थे उसमें मरकज़ी कानून साज असम्बली में उन्होंने कितनी सीटें हासिल की और उसका तनासब कितना रहा और इसी तरह सूबाई सतह पर उन्होंने कितने में से कितनी सीटें हासिल की। ये जनाब आपका टॉपिक पूरा हो गया, इसको आप अच्छी तरह लिखें और याद करें। थैंक यू वेरी मच।